हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीमेल ट्यूटोरियल्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह से जीमेल अकाउंट में अपने गूगल अकाउंट्स में अवेलेबिलिटी स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप अपने जीमेल अकाउंट में देखेंगे कि आपको ऊपर टॉप में अपने जीमेल अकाउंट में अपने गूगल अकाउंट में एक्टिव का स्टेटस नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहां से एक्टिव के स्टेटस को हटाना चाहते हैं तो आप इसे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपने यहां पर इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आप डू नॉट डिस्टर्ब पर क्लिक करके इसको स्टेटस को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप 30 मिनट या 1 आवर 2 आवर या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ टाइम सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद सेट एज अवे है, यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ऐड ए स्टेटस, ठीक है ना, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी स्टेटस कर सकते हैं। जैसे कम्यूटिंग है और यहाँ से आपने 1 आवर है, 4 आवर, 2 डे, दिस वीक, कस्टम, और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ से चैट नोटिफिकेशन सेटिंग में जाकर यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई ट्यून्स है उनको भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी स्टेटस है वहाँ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक करूँगा तो दोबारा ये एक्टिव स्टेटस इनेबल हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने गूगल अकाउंट में अवेलेबिलिटी स्टेटस को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।